जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद है तेरे। न्यूज क्लिक पर मेरे साथ अरे अभी तो चिता की राख ठंडी भी नहीं हुई थी, कुछ शहीदों को अंतिम संस्कार भी नहीं दिया गया था और भारतीय जनता पार्टी ने अभी से सियासत शुरू कर दी पुलवामा मामले पर। यह एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है। आपको हक दिया किसने है इस मुद्दे पर सियासत करने के लिए? और एक चीज की तरफ जो किसी का ध्यान नहीं गया दोस्तों, कि जिस दिन पुलवामा में हमारे 44 जवानों की जान गई, उन्हें शहादत हासिल हुई, उसके अगले ही दिन झांसी में प्रधानमंत्री का एक फंक्शन था, एक समारोह था, जिसमें उन्होंने जनता के सामने एक तरह से वोट मांग लिया कि आप एक बार फिर मुझे आशीर्वाद दीजिए। 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे और आपने जनता से फिर से वोट मांग लिया। आप खुद सुनिए प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं और अब आप फैसला कीजिए कि वो वोट मांग रहे हैं या क्या कर रहे हैं। सुनिए। मुझे विश्वास है कि विकास के लिए, नए भारत के लिए आप आने वाले दिनों में भी मुझे और मजबूती से आशीर्वाद देंगे। मैं जानता हूं कि बीजेपी भक्त क्या कहेंगे, मोदी भक्त क्या कहेंगे कि ये तो सिर्फ आशीर्वाद ही मांग रहे हैं, मगर आप भी दिल में जानते हैं कि क्या हो रहा है। और मैं आप साबित करने वाला हूं आज बोल किलब आजाद है तेरे में कि किस तरह से इस तरह की सियासत चल रही है। अब गौर कीजिए इस तस्वीर पर। यहां पर एक शहीद की अंतिम यात्रा हो रही है। आप देख सकते हैं इस ट्रक में आगे बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज बैठे हुए हैं, मानो ये चुनावी रैली है। अगर मैं आपको यह ना बताऊं कि इस ट्रक में उस शहीद के का पार्थिव शरीर है तो आपको यह भी नहीं पता चल पाएगा दोस्तों कि दरअसल ये उसकी अंतिम यात्रा है, कोई चुनावी रैली नहीं है। मैं चाहूंगा कि आप ये तस्वीर देखें, ये वीडियो देखें। दोस्तों दुख की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी से इस मुद्दे पर सियासत करनी शुरू कर दी है। हर जगह बाकायदा व्हाट्सएप मैसेजेस भेजे जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्थन मांगा जा रहा है पुलवामा के लिए। बताइए, जो एक इंटेलिजेंस फेलियर है जिसके लिए बीजेपी को कटघरे में रखना चाहिए था, उसके लिए अभी से वोट मांग रहे हैं। आप इन दो तस्वीरों पर गौर कीजिए। एक तस्वीर है सूरत की, जहां पर एक रैली निकाली गई। इन तमाम युवकों की छातियों पर नमो ओनली के पोस्टर्स लगे हुए हैं। सूरत की यह रैली है, यहां पर वोट मांगा जा रहा है, आप देख सकते हैं। क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि इसमें जो संदेश दिया गया है उसमें हमारे शहीदों को याद किया गया है, मगर नमो ओनली के टी-शर्ट्स। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए दोस्तों, ये मैसेज जो है व्हाट्सएप कराया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी चूंकि सर्जिकल स्ट्राइक करेगी इसलिए मेरा वोट बीजेपी को जाता है। आज ये सवाल पूछने की जरूरत है कि आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी हमारे शहीदों का इस तरह से अपमान कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के इन कृत्यों पर, इन हरकतों पर मीडिया सवाल क्यों नहीं कर रहा है? जो लोग आज पुलवामा में हुए इस हादसे के लिए, इस त्रासदी के लिए वोट मांग रहे हैं, उन्हें दरअसल इंटेलिजेंस फेलियर के लिए सवाल पूछना चाहिए। और मैं बहुत ही त्वरित अंदाज में, बहुत ही संक्षिप्त में यह साबित कर दूंगा कि कितना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था। दोस्तों सबसे पहले आपको गौर करना पड़ेगा इस पूरे टाइमलाइन पर। आप देखेंगे कि 17 जनवरी से ही आतंकवादी कोशिश कर रहे थे कोई बहुत बड़ी घटना करने के लिए। वो बाकायदा एक ड्राई रन कर रहे थे, यानी कि प्रैक्टिस कर रहे थे इस बड़े हादसे के लिए। 17 जनवरी इस तारीख पर गौर कीजिए, इस तारीख को श्रीनगर के सेंट्रल राजबाग एरिया में ग्रेनेड फेंका जाता है, एक ऐसी जगह पर जहां घर हैं, ऑफिसेज हैं और मीडिया संस्थाएं हैं। कई लोग यहां पर घायल हो जाते हैं दोस्तों। 48 घंटे बाद दो और ग्रेनेड हमले होते हैं, यानी कि 18 जनवरी को, और इसमें ग्रेनेड हमले होते हैं श्रीनगर और शोपियां में। इन दोनों घटनाओं के पीछे जैश ए मोहम्मद। इसके बाद 10 फरवरी यानी से 5 दिन पहले
एक ग्रेनेड हमला होता है सीआरपीएफ कंटिंजेंट पर, सीआरपीएफ कंटिंजेंट पर, और इसमें 11 लोग जख्मी होते हैं श्रीनगर के लाल चौक में। आप मुझे बताइए दोस्तों, बाकायदा एक रेकी की जा रही थी, कोशिश की जा रही थी कि किसी तरह से किसी बड़ी घटना को अंजाम दिया जाए। और इसके अलावा अब गौर कीजिए आप इस लेटर पर। यह लेटर बाकायदा सीआरपीएफ को भेजा गया था, इसमें कहा गया था, आप 7 फरवरी का यह लेटर है, आप इसमें देख सकते हैं, चेतावनी दी गई थी कि आईईडी के जरिए हमला हो सकता है, आपको सतर्क रहना होगा। आइए इस लेटर को आपके पूरे स्क्रीन पर मैं दिखाता हूं, ध्यान से देखिए, इस लेटर में बाकायदा चेतावनी दी गई है। अब हम रुक करते हैं 7 फरवरी का एक बार दोस्तों। उस वक्त पार्लियामेंट के अंदर देश के सेना प्रमुख आए थे और जनरल बिपिन रावत से यह सवाल किया पत्रकारों ने कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कोई बड़ा आतंकवादी हमला हो सकता है? तो जानते हैं सेना प्रमुख ने क्या कहा कि हम हर तरह के हमले के लिए तैयार हैं। सुनिए। चुनाव से पहले क्या इस तरीके से वो बड़ी कोशिश कर रहा है, इंटेलिजेंस इनपुट इस तरीके के हैं? यानी कि एक तरह से कहा जा सकता है कि बाकायदा इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिल रही थी, बावजूद इसके हमला हुआ। वो जो 300 किलोमीटर का रास्ता है, जब हमारी ये 78 बसेस जा रही थी जिनमें हमारे 2500 वीर सवार थे, उसे सैनिटाइज क्यों नहीं किया गया? क्योंकि जब प्रधानमंत्री या चीफ मिनिस्टर या राज्यपाल का रूट लगता है तब तो आप आम इंसान को बहुत परेशान करते हैं, मगर हमारे सैनिक जब जाते हैं तो उन्हें इस तरह से हालात का सामना करना पड़ता है, क्यों? और ये तो बख्तरबंद गाड़ियों में भी शामिल नहीं थे, सवार नहीं थे, ये तो बसों में सवार थे। क्या ये सवाल उठाए नहीं जानी चाहिए? मीडिया तो चलिए भूल जाइए, मगर क्या ये सवाल आपको नहीं उठाना चाहिए? ये इंटेलिजेंस फेलियर है। मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं कि किस आधार पर पार्टियां इस पर वोट मांग रही हैं? मुझे शुक्र है इस बात पर कि कांग्रेस ने, रालोद ने, समाजवादी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने, सभी ने कह दिया कि हम इस मुद्दे पर सियासत नहीं करेंगे। छिटपुट बयानों को छोड़ के इस वक्त विपक्ष की तरफ से कोई भी गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं आया है, और मैंने आपको बताया किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है वो तमाम हदों को पार कर रही है। आपने सवाल तो पूछा नहीं कि 300 केजी एक्सप्लोसिव आज आखिर पहुंचा कैसे पुलवामा में, यह सवाल तो आपने अब तक नहीं किया। क्या यह सवाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से नहीं किया जाना चाहिए? क्या इस शख्स को, अजीत डोभाल को, कटघरे में नहीं रखा जाना चाहिए? और बात हम अजीत डोभाल की कर रहे हैं तो यह शब्द याद रखिए दोस्तों, यह कंपनी याद रखिए, जेमिनी फाइनेंशियल सर्विसेज, इसे चलाने वालों में से एक हैं अजीत डोभाल के बेटे। यह तस्वीर देखिए, मैं पूरी स्क्रीन पर यह तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। इसमें 3 चेहरे हैं दोस्तों, बीच में अजीत डोभाल के बेटे हैं और उनके एक तरफ हैं एक सऊदी बिजनेसमैन और दूसरी तरफ हैं सैयद अली अब्बास। सैयद अली अब्बास उनके पार्टनर हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के बेटे के पार्टनर हैं जेमिनी फाइनेंशियल सर्विसेज में। यानी कि देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के बेटे जो हैं वो तो पाकिस्तान के साथ धंधा कर रहे हैं, मगर बाकी सब अगर अमन की अपील भी करते हैं इस वक्त उन्हें पाकिस्तान जाने की सलाह दी जाती है, उन्हें गालियां दी जाती हैं। अजीत डोभाल से ना इस सुरक्षा चूक के लिए सवाल किए जा रहे हैं, ना यह सवाल उनसे किया जा रहा है कि आपके बेटे जो हैं वो पाकिस्तानियों के साथ धंधा क्यों कर रहे हैं। क्या यह सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए? मगर आप नहीं पूछेंगे दोस्तों। दुख की बात यह है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी का अहंकार इस लेवल पर चला गया है कि जिस दोपहर को यह हमला हुआ था 3:30 पर, उसके बाद किसी भी बीजेपी के नेता ने अपनी चुनावी रैलियां बंद नहीं की। देखिए अमित शाह किस तरह से कर्नाटक में रैली को संबोधित कर रहे हैं और राम मंदिर की बात कर रहे हैं। मैं देश में जहां जाता हूं वहां पूछते श्री राम जन्मभूमि मंदिर का सवाल, मगर मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की नीति स्पष्ट है, अयोध्या में उसी स्थान पर जल्द से जल्द भव्य राम मंदिर का निर्माण है। देखा आपने, अब योगी आदित्यनाथ केरल में थे, वहां ये रैली संबोधित कर रहे हैं। देखिए तस्वीर, अब देखिए पीयूष गोयल, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, उन्होंने भी अपनी तमिलनाडु की ट्रिप को कैंसिल नहीं किया, क्यों? क्योंकि वहां पर वो गठबंधन करने गए थे और ये उस शाम को हुआ।
और जानते हैं सबसे ज्यादा शर्मनाक बात, आपकी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी, रिंकिया के पापा, ये हजरात नाच रहे थे। इन्हें 36 तोपों की सलामी दूं मैं या आप नहीं देंगे इन्हें 36 तोपों की सलामी? क्या आपने ये तमाम सवालात किए बताइए? और प्रोपेगेंडा मशीनरी कर क्या रहा है दोस्तों? ये दो तस्वीरें सामने बता रहा है कि भाई प्रियंका गांधी मुस्कुरा रही थी, हंस रही थी, और दूसरी तरफ जब श्रद्धांजलि दी जा रही थी तमाम शहीदों को, तब राहुल गांधी अपने फोन पर थे, इन दो तस्वीरों के जरिए। और पहली तस्वीर प्रियंका गांधी को लेकर तो तस्वीर झूठी निकली, मगर यह तस्वीर जिसमें प्रधानमंत्री मुस्कुरा रहे हैं, हाथ हिलाते हुए मुस्कुरा रहे हैं, क्या उसे तौहीन माना जाए? मैं नहीं मानता हूं तौहीन, क्योंकि देखिए हम नहीं जानते वो किस बात पे मुस्कुरा रहे हैं, क्यों हाथ हिला रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों आज मैं एक बात स्पष्ट करने जाता हूं, मैं मानता हूं आप सोच रहे होंगे कि मैं बीजेपी की आलोचना क्यों कर रहा हूं। मैं देश के प्रधानमंत्री के साथ हूं, मैं सरकार के साथ हूं, मैं अपने प्रधानमंत्री के साथ हूं कि आप सही कदम उठाएंगे, मुझे आप पर पूरा विश्वास है, मैं आपके साथ हूं। मगर इस मुद्दे पर अगर आप सियासत करेंगे तो मैं आपको कटघरे में रखूंगा, क्योंकि बतौर पत्रकार यही मेरा धर्म है। अगर अधिकतर पत्रकार ये भूल चुके हैं तो ये उनकी तकलीफ है दोस्तों, मेरी नहीं है। मैं ये सवाल उठाऊंगा, उठाता रहूंगा। अगर आप यानी आम जनता को अपनी आंखें मूंदनी है तो मूंद लीजिए साहब, मूंद लीजिए, क्योंकि हमारे राजनेताओं ने आपको साबित किया है कि पहले हिंदुत्व, उसके बाद देश भक्ति का धतूरा आपको चटा चढ़ा के आपको सल्फेट बनाया जाता है, आपको मूर्ख बनाया जाता है, और इसी सियासत में आप बार बार उलझते रहते हैं। ये त्रासदी इस देश की, और इसीलिए इस कार्यक्रम का नाम है बोल कि लब आजाद है तेरे।